नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। लर्निंग सीरीज जो हम लोगों ने शुरू की थी वही हम कंटिन्यू रखेंगे और आज हम आपके साथ एक सिस्टम डिस्कस करेंगे जो है एलिगेटर ट्रेडिंग सिस्टम। एलिगेटर ट्रेडिंग सिस्टम बिल विलियम्स ने 94-95 में पब्लिकली रिलीज किया था। उन्होंने वर्कशॉप देना शुरू करी थी, उन्होंने बुक्स पब्लिश की थी और ये एलिगेटर ट्रेडिंग सिस्टम एक बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम है, खासकर अगर आप मोमेंटम पे ट्रेड करना चाहते हो। मोमेंटम से मेरा मतलब ये है कि जहां पर आप ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हो, जहां पर आपका जो इंटेंशन है वो स्टॉक को लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड करने का नहीं है, 1-2-3 हफ्ते या उससे भी कम, जब तक ट्रेंड है, जब तक मोमेंटम है, जब तक स्पीड बनी रहती है आप स्टॉक को होल्ड करते हो, उतना ही आपका इंटेंशन रहता है। तो वहां तक अगर आपको स्टॉक को होल्ड करना है तो आप ये सिस्टम फॉलो कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी बहुत जबरदस्त सिस्टम है, क्योंकि ऑप्शन में जो जब ये सिस्टम आपको बाय सिग्नल देगा या जब ये सिस्टम आपको ट्रेड सिग्नल देगा तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि ट्रेड्स वहां से, स्टॉक वहां से बहुत स्पीड में और बहुत फास्ट भागेंगे, तो उसके वजह से ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं, खासकर ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ही जबरदस्त है। एग्जिट इसका हम देखेंगे, एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, एक तरीका आपके साथ डिस्कस करूंगा। जहां पर एग्जिट जो होता है, मोमेंटम जहां पर वीक होने वाला होता है, एकदम पीक पे आप एग्जिट करते हो, इससे क्या होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट होता है जो आप एब्जॉर्ब कर सकते हो ऑप्शन में। बहुत ट्रिमेंडस प्रॉफिट्स आते हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है और पूरे सिस्टम की इंटरकेसीज को देखेंगे, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे कहां लगता है सब कुछ देखेंगे एक एक करके। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये हमारे चैनल पहली बार देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम करना है आपको नीचे लगे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि चैनल पर वैल्यू है, हमारे कंटेंट पर वैल्यू है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। और हाँ, अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए और अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक भी करिए। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं एलिगेटर ट्रेडिंग सिस्टम और कैसे इससे हम यूज करके फायदा उठा सकते हैं। थोड़ा लंबा सिस्टम है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसीलिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि आपको आप ज्यादा एब्जॉर्व कर पाओ, आपको ज्यादा समझ करने को मिले और आप जाके इसे चार्ट पे बैक टेस्ट भी कर पाओ। ये सिस्टम डेवलप किया था बिल विलियम्स ने और उन्होंने अपना नाम इस सिस्टम को दे दिया बिल विलियम्स एलिगेटर सिस्टम। इसके साथ साथ उन्होंने कई इंडिकेटर्स भी इन्वेंट किए थे जो कि ये सिस्टम के साथ वो यूज करते हैं, फ्रैक्टल्स, ऑसम ऑसिलेटर, एक्सेलरेटर, डिसेलेटर, ऑसिलेटर। तो ये सब पे हम नजर डालेंगे और देखेंगे किस तरह से इन सब को हम ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त सिस्टम है जैसे मैंने आपको कहा और ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा फायदा आपको देगा। जस्ट बस बने रहिए और हम एक एक करके डिस्कस करते हैं पूरे सिस्टम को। तो पहले बिल विलियम्स एलिगेटर इंडिकेटर, ये विलियम्स इंडिकेटर, विलियम्स एलिगेटर बहुत तरह के नाम से आपको मिल जाएगा, कोई भी स्टैंडर्ड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में ये मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से इस इंडिकेटर को प्लॉट करना है, आपको आसान है, आप आराम से प्लॉट कर पाओगे। तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो कि आप एक ट्रेंड फॉर्मेशन जब होता है तो आप ट्रेंड फॉर्मेशन के साथ साथ जब वहां से ट्रेंड से बहुत सॉलिड मूव आने वाला होता है जब आप पहचान पाओगे वो प्राइस को, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहां से हो सकता है कि ट्रेंड में बहुत अच्छी मूवमेंट आ जाए। तो इसका इंडिकेटर का मेन पर्पस ही था कि हम ट्रेंड को पहचाने और ट्रेंड को पहचानने के साथ साथ, देखिए ट्रेंड पहचानना जरूरी नहीं है, उस ट्रेंड को पहचान के आप उसका फायदा कैसे उठा पाओगे, वहां पर एंट्री कैसे ले पाओगे, वहां पर कब आपको इंडिकेशन मिलेगा कि यहां से ट्रेंड कमजोर हो सकता है या हो रहा है, कब आप एग्जिट करोगे, कहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है कि अगर आप गलत हो गए तो आपको आप अपनी कैपिटल कैसे प्रिजर्व करोगे, तो ये सब चीजें भी समझना बहुत जरूरी है। तो हम एक रॉ फॉर्म में सिस्टम को उठा के आपके सामने जरूर लेके आए हैं, हम इनमें अपनी जो न्यूएंसेस हैं उसको हम जरूर ऐड करेंगे जो आपको इस सिस्टम से और निचोड़ निकाल के देगा। ये जैसे मैंने आपको कहा कि विल विलियम्स ने इसे इन्वेंट किया था 1995 में, इन्होंने पब्लिक के सामने इसे लेके आया। तो एलिगेटर का मतलब जैसे हम जानते हैं घड़ियाल होता है या मगरमच्छ हम जो बोलते हैं वो होता है, और जो एनालॉजी इन लोगों ने जो बिल विलियम्स ने निकाली वो बेसिकली ये थी कि मार्केट जो है एक केओटिक फॉर्म में रहता है, मार्केट हमेशा केओस में रहता है और केओस के बीच में अगर आप ट्रेंड ढूंढ लेते हो, केओस के बीच में अगर आप एक मेजर ढूंढ लेते हो तभी आपको फायदा होता है। तो किस तरह से वो इस एनालॉजी को अपने इंडिकेटर को एक घड़ियाल से, एक एलिगेटर से किस तरह से कंपेयर करते हैं, वो कहते हैं कि जिस समय एक एलिगेटर को भूख लगता है, एलिगेटर जिस समय खाने को तैयार होता है उस समय वो अपना मुंह खोलता है।
और जब वो अपना मुंह खोलता है तो सबसे पहले वो अपने लिप्स को खोलेगा, फिर उसकी टीथ दिखेगी, फिर उसका जॉ दिखेगा, और उसके बाद वो खाना शुरू करेगा। नॉर्मली हम ह्यूमन बींग्स के साथ भी ऐसा ही होता है। जब एलिगेटर भूखा होता है और वो खाने को रेडी होता है, उस समय वो हंट करेगा बेयर्स या बुल्स का, राइट। तो अप ट्रेंड में बेयर्स को खाएगा, डाउन ट्रेंड में बुल्स को खाएगा। हमें ट्रेड कब करना है? जब वो खाने के लिए रेडी हो। अगर वो बुल्स को खा रहा है तो हमें बेयर साइड पे आ जाना है, अगर वो बेयर्स को खा रहा है तो हमें बुल साइड में आ जाना है, और हमें एलिगेटर के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। खाना खाने के बाद एलिगेटर को आती है नींद, जब उसका पेट भर जाता है तो वो सोने को तैयार हो जाता है, और जब वो सोता है उस समय जो होता है ट्रेंड डायरेक्शन लेस हो जाता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो अपना मुंह बंद करके सोएंगे इस तरह से। और जो आप देखोगे मुंह बंद करने का मतलब कि तीन मूविंग एवरेजेस यूज होते हैं इसमें, जो अगर बंद हो तो एक दूसरे के साथ पूरे इंटरवाइंड हो जाते हैं, और जब ये मूविंग एवरेज एक दूसरे के साथ इंटरवाइंड हो जाते हैं इसका मतलब ट्रेंड नहीं है। जब मूविंग एवरेज खुले रहते हैं, एक दूसरे से अपार्ट रहते हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल रहते हैं, उस समय हमें ट्रेंड मिलता है। तो जब एलिगेटर का मुंह खुला रहता है उस समय वो जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो पैरेलल रहते हैं, वो एक दूसरे में उलझे हुए नहीं रहते। और जब वो एलिगेटर को नींद आती है उस समय वो मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के साथ उलझे हुए रहते हैं, और उस समय ट्रेंड नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, तीन मूविंग एवरेजेस बिल विलियम्स यूज करते हैं इसमें, कौन कौन से मैं आपको दिखाऊंगा। और वो तीन मूविंग एवरेजेस को वो एलिगेटर के लिप्स, एलिगेटर के टीथ्स और एलिगेटर के जॉस के साथ कंपेयर करते हैं। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंगली स्टोरी जैसे लगती है, और स्टोरी में हम ट्रेड कर लेते हैं, पैसे बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो बोलते हैं कि ये एलिगेटर का लिप है, राइट। यहाँ पर देखिए तीन मूविंग एवरेज 13, 8 और 5, इसे डिस्प्लेस किया गया है, इसे ऑफसेट किया गया है 8 पीरियड, 5 पीरियड और 3 पीरियड, मतलब कि इसे आगे की तरफ प्लॉट किया गया है, राइट। तो पांच पीरियड के मूविंग एवरेज को 3 पीरियड आगे प्लॉट कर दिया गया है। तो आप यहां पर देखोगे कि प्राइस तो यहां पर खत्म हो गया, लेकिन मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे होना चाहिए, लेकिन प्राइस के नीचे नहीं है, थोड़ा सा आगे है। तो इसलिए इस 5 पीरियड के मूविंग एवरेज को 3 पीरियड आगे की तरफ प्लॉट कर दिया गया है, इस 8 पीरियड को 5 पीरियड आगे की तरफ प्लॉट कर दिया गया है, और इस 13 पीरियड मूविंग एवरेज को 8 पीरियड आगे की तरफ प्लॉट कर दिया गया है। और ये उसको फिर इस तरह से जब ये मूविंग एवरेज प्लॉट होती है तो एक घड़ियाल जैसा लगता है, एक एलिगेटर जैसा लगता है, और वो बोलते हैं कि ये एलिगेटर की लिप्स है, ये एलिगेटर का टीथ है, और ये एलिगेटर का जॉ है। तो जब एलिगेटर भूखा होता है तो वो अपने मुंह को खोलता है खाने के लिए, और वो यहाँ पर देखिए बेयर्स को खाते चले जाता है, और जब उसका पेट भर जाता है तो फिर वो अपने मुंह को बंद कर लेता है, और जो ट्रेंड है वो साइडवेज चला जाता है। यहाँ पर हमें कुछ ट्रेड नहीं करना है। तो देखिए किस तरह से आप इन मूविंग एवरेजेस को प्लॉट करोगे, आसान है, सिंपल है। देखिए 5 पीरियड का मूविंग एवरेज है, आप इसे ऑफसेट यहां पर कर दोगे 3 पीरियड। अगर आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलता है कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में, अगर इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग्स आपको नहीं मिलती है, इसका अलग इंडिकेटर नहीं मिलता है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो investing.com पे, trading.com पे, या कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो उस पर मूविंग एवरेज को ऑफसेट करने का ऑप्शन रहता है। तो आप क्या करोगे, पहले 5 पीरियड प्लॉट करोगे, उसे 3 पीरियड से ऑफसेट कर दोगे, वो होगा लिप। फिर आप 8 पीरियड प्लॉट करोगे, उसे 5 पीरियड से ऑफसेट कर दोगे, वो होगा टीथ। फिर आप 13 पीरियड प्लॉट करोगे, उसे 8 पीरियड से ऑफसेट कर दोगे, वो होगा जॉ। तो ये है लिप, टीथ और जॉ, इन तीनों मूविंग एवरेजेस की सेटिंग है। तो इस तरह से आपको ये तीनों मूविंग एवरेज सेट करना है। एक और बात, आप इस सिस्टम को डेली चार्ट पे ही ट्रेड करिएगा, डेली चार्ट से ऊपर मत जाइएगा। डेली चार्ट से नीचे जा सकते हैं, यू कैन गो ऑन द 4 आवरली चार्ट, ऑन द आर्ली चार्ट, 75 मिनट चार्ट, लेकिन वीकली चार्ट पे यूज करने की कम कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब बैक टेस्ट हुआ तो देखा गया कि ये सिस्टम जो है डेली चार्ट पे सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट काम करता है। उसके नीचे भी काम करता है, लेकिन इट वर्क्स बेस्ट ऑन द डेली चार्ट। तो द वे द इंडिकेटर वर्क्स कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द फॉलोइंग एनालॉजी। व्हेन द एलिगेटर जॉज, टीथ, लिप्स आर ओपन, राइट, जब जॉज, टीथ, लिप्स क्लोज होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा जब जॉज, टीथ, लिप्स क्लोज है, इसका मतलब तीनों मूविंग एवरेज एक दूसरे के साथ इंटरवाइंड है, इसका मतलब कोई ट्रेंड नहीं है, वो एलिगेटर वहां पर थक चुका है और वो सो रहा है, अभी उसे हंट करने का कोई भी उसका इरादा नहीं है, वो आराम से सोया हुआ है। सो उस समय ट्रेडर्स को भी सोना चाहिए, ट्रेडर्स को भी कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेनी से अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद जब वो उठता है उस समय हमें काम है, एट दैट टाइम वी हैव टू टेक अवर लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। तो दिस इज व्हेन मेनी ट्रेडर्स अवॉइड टेकिंग पोजीशन बिकॉज द ट्रेंड इज टू वीक। व्हेन द एलिगेटर इज स्लीपिंग, दैट मीन्स द ट्रेंड इज टू वीक, ऑल द मूविंग एवरेजेस आर इंटरवाइंड टुगेदर। देखिए ये फेज है जहाँ पर एलिगेटर स्लीपिंग है, और यहाँ पर अगर आप ट्रेड करोगे तो सिर्फ आप अपना पैसा और अपना समय और अपनी एनर्जी सब वेस्ट करोगे, साथ ही साथ जो फ्रस्ट्रेशन होगा वो अलग है। क्योंकि देखिए
3 दिन ऊपर 3 दिन नीचे, 3 दिन ऊपर 3 दिन नीचे, 3 दिन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलिगेटर सो रहा है, एलिगेटर इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू नो क्रिएटिंग ए ट्रेंड, वो आराम से सो रहा है। देखिए इस फेज में एलिगेटर उठा हुआ है, तो देखिए ट्रेंड है, तो यहाँ पर देखिए द लिप्स, जब भी ट्रेंड जब शुरू होता है तो सबसे पहले लिप खुलती है, क्योंकि सबसे छोटा मूविंग एवरेज जो है वो लिप का है, उसके बाद टीथ दिखाई देता है, खुलता है, उसके बाद जॉ खुलता है, और एक बार ये तीनों मूविंग एवरेजेस खुल जाते हैं तो वहां पर ट्रेड बनता है, और इसका मतलब ट्रेंड शुरू होने वाली होगी। जितना लंबा वो एलिगेटर सोएगा उतना ही भूखा वो होगा और उतना ही स्पीड में मूव उसके बाद फॉलो करेगा। तो याद रखिएगा कि जब भी ट्रेंड शुरू होगा तो पहले लिप, फिर टीथ, फिर जॉ, और उसके बाद जब एलिगेटर भूखा होगा, जितने देर एलिगेटर सोएगा उतना भूखा वो होगा और उठ के उतना ही खाना खाएगा, उतना ज़्यादा खाना खाएगा अपनी भूख मिटाने के लिए। तो याद रखिए कंसोलिडेशन जितना बड़ा होगा उसके बाद का फॉलोइंग मूव उससे ज़्यादा और उससे बड़ा हो सकता है, उतना फास्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 1.5 महीने का साइडवेज मूव था और इस समय एलिगेटर पूरा भूखा था। जब वो उठना शुरू करता है तो पहले उसके लिप्स खुलते हैं, फिर जॉस खुलते, फिर टीथ खुलते हैं, फिर जॉस खुलते हैं, और एक बार ये तीनों खुल जाते हैं इसका मतलब जो ट्रेंड है वो रेडी है, एंड फाइनली ये यहाँ से उठ जाता है, और एक बार उठने के बाद यहाँ से मूव जो है ऊपर की तरफ बहुत ज़बरदस्त मिलता है। तो देखिए एक आसान सिस्टम है, अगर आप इस सिस्टम को बिना नॉइस के फॉलो करो, ट्विटर पे मत देखिए क्या हो रहा है, टीवी पे मत देखिए क्या हो रहा है, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स मत पढ़िए स्टॉक के बारे में क्या हो रहा है, निफ्टी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, देखिए एक बार भी अभी तक यहां तक देखिए अभी जो 18,355 निफ्टी है यहां पर अभी तक कोई भी सिग्नल नहीं है जो हमें बता रहा है कि ट्रेंड थक चुका है, एलिगेटर थक चुका है, एलिगेटर को सोना है। और यहां पर देखिए आराम से 1.5 महीने सोया हुआ था और आराम से अभी अपना खाना खाए जा रहा है। तो जब तक वो खाएगा जब तक हम उसके पीछे पीछे रहेंगे और उसे खाने देंगे, और जैसे हमें लगा कि खाते खाते थक गया अब इसे नींद आ रही है, हम अपने ट्रेंड से बाहर आ जाएंगे। कैसे बाहर आएंगे मैं आपको एक सिस्टम दिखाऊंगा जहां पर ऑलमोस्ट एट द टॉप, एकदम मोमेंटम के टॉप पे आप बाहर निकल पाएंगे। तो ये बेसिकली ये एनालॉजी है इस सिस्टम की। नाउ दैट एलिगेटर हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन द फूड इट क्लोजेस इट्स माउथ टू रेस्ट, सब लाइन टुगेदर में आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, एलिगेटर सो जाता है, एंड दिस इज वेन सम ट्रेडर्स क्लोज देयर पोजिशंस दे हैव इफ दे हैव मेड प्रॉफिट। और इस समय क्या होता है, जैसे एलिगेटर का पेट भर जाता है वो सोने को रेडी होता है, उसका जो लिप होता है, जॉ होता है, माउथ होता है, सब एक साथ आ जाते हैं, सब मूविंग एवरेज एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, और यहाँ पर वो जो बंदा है जो ट्रेडर है वो अपनी पोजीशंस को बुक कर लेता है, वो बोलता है कि बस हो गया अब आगे देखेंगे, फिर उठेगा उस समय ट्रेड करेंगे, क्योंकि जनरली जब वो सोने को जाता है, जब सोने को रेडी होता है तो उस समय जो ट्रेंड होता है या तो हॉल्ट हो जाता है या यहाँ से चेंज हो सकता है। तो इसीलिए जब एलिगेटर थक जाए तो हमें अपने पोजीशन से बाहर एक बार आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये मूव, यहाँ पर एलिगेटर ने अपने मूव को शुरू किया, यहाँ पर अलग सब अलग अलग हुए, बेसिकली अगर हम बात करें तो इस जोन के ऊपर सब अलग अलग हुए, राइट, आपको लिप्स दिख रहे हैं, जॉ दिख रहे हैं, लिप्स दिख रहे हैं, टीथ दिख रहे हैं, जॉ दिख रहे हैं, यहाँ से मूव ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ पर देखिए इधर में इस जगह पर एलिगेटर जो है वो सोने के लिए रेडी हो जाता है, या ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए उसने अपने लिप्स को बंद कर लिया, और यहाँ पर तो पूरा ही बंद कर लिया कि और नहीं खाना है, राइट, एलिगेटर थक गया, नाउ वो सो रहा है, यहाँ सो गया, और यहाँ पर देखिए वापस क्या कर रहा है, यहाँ खाना शुरू करता है, अभी क्या कर रहा है, बेयर्स को खा, बुल्स को खा रहा है नीचे की तरफ। तो अब एक चीज़ देखिए और एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि ये पूरा जो प्रोसेस है वो एक साइक्लिकल प्रोसेस है, वो साइकिल में चलते रहता है, वो सोएगा उठेगा खाएगा फिर सोएगा फिर उठेगा फिर खाएगा फिर सोएगा फिर उठेगा खाएगा, और ये एक साइकिल जो है वो चलता जाता है स्टॉक मार्केट। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी ऐसे ही यही साइकिल फॉलो करते हैं, हम सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, काम पे जाते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर हम उठते हैं, अपना काम करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है और ये जो साइकिल है वो हमेशा चलता जाएगा, स्टॉक मार्केट में भी चलते जाएगा, हमारे लाइफ में भी चलते जाएगा। आगे देखिए हाउ टू ट्रेड यूजिंग द एलिगेटर इंडिकेटर। अब अपने को ट्रेड कैसे करना है, आपने तो बता दिया सर एलिगेटर इंडिकेटर ऐसा होता है, अब इसको ट्रेड कैसे करना है, तो हम जानते हैं कि हमें ट्रेड कब करना है, जब ट्रेंड हो, राइट, जब तक ट्रेंड नहीं है हम ट्रेड नहीं करेंगे, जहां पर हमें लैक ऑफ ट्रेंड है वहां पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो लैक ऑफ ट्रेंड व्हेन रेड ग्रीन ब्लू लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर और इंटरवाइंड, मतलब कि जब एलिगेटर का मुंह बंद है, जब तीनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के साथ इंटरवाइंड है, जब एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, उस समय हमें ट्रेड नहीं करना है, आराम से बैठ जाना है, साइडवेज मूव है,
वहां कुछ नहीं मिलेगा, एक रेंज के अंदर ही वो मार्केट या वो स्टॉक मूव करते रहेगा। ट्रेंड कब बनता है? जब ग्रीन ब्लू मूविंग एवरेज सेम डायरेक्शन में जाते हैं और रेड रेड मूविंग एवरेज है वो भी ऊपर की तरफ, मतलब कि तीनों मूविंग एवरेजेस खुल जाते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं, जब होता है ट्रेंड। एक दूसरे के साथ उलझे हुए नहीं है, अब तीनों खुल गए हैं और एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपको एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं, एक आपको दिशा बता रहे हैं कि इस दिशा में वो बढ़ रहे हैं, जब होता है ट्रेंड। और जब ये ट्रेंड बनता है उसी समय हमें ट्रेड करना होता है। वी हैव टू ट्रेड व्हेन देयर इज अ ट्रेंड, वी डोंट हैव टू ट्रेड व्हेन देयर इज नो ट्रेंड। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये देखिए, यहां पर क्या हुआ कि पहले रेड लाइन जो थी यहां पर नीचे की तरफ थी, फिर यहां पर वो रेड लाइन ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया, और जैसे रेड लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, आप यहां पर देखिए जो स्लोप है ऊपर की तरफ हो गई रेड लाइन की, फिर ग्रीन लाइन की स्लोप ऊपर की तरफ हो गई, फिर ब्लू लाइन की स्लोप ऊपर की तरफ हो गई। यहां पर जो है वो तीनों स्लोप आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है एट दिस पॉइंट। तो यहां पर जब हम आगे डिसाइड देखेंगे तो एक फॉर्मेशन होता है, वो यहां पर अगर होता है तो हम यहां पर इसके हाइस के ऊपर बाई कर लेते हैं। तो अगर आप इसके हाइस के ऊपर बाई करते हो और उसके बाद अगर आप ट्रेंड में रहते हो, देखिए एलिगेटर जो है इस एरिया में सोया हुआ था, ही वो स्लीपिंग इन दिस एरिया, उसे नींद आ रही थी, और यहां पर देखिए उसकी नींद खुली, और जब उसकी नींद खुली वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, अभी तक वो खाए जा रहा है, उसकी उसका जो भूख है, उसकी जो भूख अभी तक खत्म नहीं हुई, ये ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट है। तो जब तक एलिगेटर खा रहा है जब तक ट्रेंड इंटैक्ट होता है, जब वो खाना बंद कर दे उस समय ट्रेंड जो होता है वो चेंज होने को रेडी हो जाता है। तो हमें जब तक ट्रेंड में रहना है तब तक, जब तक वो एलिगेटर खाना खा रहा है, एलिगेटर को भूख लग रही है। और यहाँ पर हमें कैसे लगेगा रेडी कि एलिगेटर रेडी है खाने के लिए? सबसे पहले जो मूविंग एवरेज है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और ऊपर की तरफ जो है इनका स्लोप, इनका डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा। अभी आपके दिल में जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बताइए एंट्री कहाँ ले, एंट्री कहाँ ले, एंट्री कहाँ ले? रुक जाओ, ठहरो, जरा इतना आतुर नहीं होते हैं। पहले आप सिस्टम को समझिए, कहाँ पर ट्रेड करना है पहले ये समझिए, किस जगह ट्रेड नहीं करना है ये समझिए, उसके बाद हम एंट्री एग्जिट की बात करेंगे, राइट? तो यही इम्पेशेंट अगर हम हो जाते हैं वहीं पर हम गलती कर बैठते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ही एलिगेटर का मुंह जो है खुल जाना चाहिए, इस तरह से वो एलिगेटर रेडी हो जाता है खाने के लिए। तो ट्रेंड डायरेक्शन, अ ट्रेंड ओनली एग्जिस्ट व्हेन द थ्री मूविंग एवरेजेस लाइन मूव पैरेलल, एक दूसरे से दूर होना चाहिए और पैरेलली एक दूसरे के साथ मूव करनी चाहिए ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में, तभी ट्रेंड एग्जिट होगा। अगर एक भी लाइन एक दूसरे को टच कर रही है, एक दूसरे के अंदर इंटरवाइंड हो रही है, एक दूसरे के अंदर घुस रही है, तब वहां पर हम ट्रेंड नहीं मानेंगे। तो ट्रेंड का स्ट्रिक्ट डायरेक्शन कब होगा? जब ये तीनों लाइन एक दूसरे से अलग है और एक दूसरे के पैरेलल में मूव कर रही है, देन ओनली इट इज अ ट्रेंड। तो देखिए लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल एट दिस पॉइंट, ये ट्रेंडिंग मूव है। और यहां पर देखिए एक बार जब स्लोप घूमना शुरू कर देती है और ये जो लाइन यहां से नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है, ये नॉन ट्रेंडेड मूव है। और फाइनली यहां पर देखिए इधर में ये तीनों लाइन वापस एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गई, तो ये वापस ट्रेंडेड मूव है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब तक लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है हमें ट्रेंड नहीं मिलेगा। लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जानी चाहिए और हम अच्छी तरह से मेकआउट कर पाए कि भैया ये टीथ है, ये लिप है, ये जॉ है, और उसके बाद ही हम ट्रेड कर पाए। अगर हम नहीं मेकआउट कर पा रहे हैं, यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि टीथ में जॉ घुसा हुआ है, जॉ में लिप घुसा हुआ है, भाई इसका तो पूरा थोपड़ा बिगड़ा हुआ है, अगर थोपड़ा बिगड़ा हुआ है तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हाँ सुंदर है, नहा धो के फेस पे एकदम लिपस्टिक पाउडर लगा के रेडी है, सब दिख रहा है, होठ टीथ दांत चीन सब बराबर दिख रहे हैं, तब हमें ट्रेड करना है, राइट? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पैरेलल होनी चाहिए, पैटर्न समझ में आना चाहिए, क्लीन दिखाई देना चाहिए, तभी हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि क्लीन प्रॉफिट्स होंगे जब आपके क्लीन मूव्स होंगे, नहीं तो ना प्रॉफिट होने वाले हैं ना कुछ होने वाले हैं, राइट? हर एक बार हर एक जगह पर ट्रेड घुसड़ने की आप कोशिश करोगे तो मार्केट आपको लात मार के निकालेगा, और ऐसी जगह लात मारेगा विश्वास करिए दर्द बहुत दिन तक रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी ट्रेंड को फाइट मत करिए और कभी भी ट्रेंड के बिना ट्रेड मत करिए, ये दोनों चीज़ ध्यान रखिए हमेशा। तो अभी एलिगेटर को डिकोड कैसे किया जाए? डिकोडिंग द एलिगेटर, द इंडिकेटर मेक्स यूज ऑफ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस रिलेशनशिप टू डेवलप ट्रेडिंग सिग्नल्स, द जॉ मेक्स द स्लोएस्ट टर्न एंड द लिप्स मेक्स द फास्टेस्ट, मतलब कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के ऊपर इसका जो डेरिवेटिव है बेस्ड है, सिस्टम उसी का फॉलो करता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस को फॉलो करता है। लिप क्रॉसिंग डाउन थ्रू द अदर लाइंस इंडिकेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शॉर्ट सेल, वाइल क्रॉसिंग अपवर्ड इंडिकेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ टू बाय।
वही रेड लाइन जो है यही मेन है। देखिए यहाँ पर अगर ये लिप जो है दोनों लाइन के ऊपर क्रॉस कर रही है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है बाई के लिए। तो क्या आप यहाँ पर आउटराइट बाई कर लोगे? यहाँ पर देखिए ये जो दोनों लाइन के नीचे लिप चली गई, ये एक अपॉर्चुनिटी है सेल करने के लिए। तो क्या आप इसे आउटराइट सेल कर दोगे? नहीं, इसका एक ट्रेडिंग सिस्टम आता है, इसका एक ट्रेडिंग सिग्नल आएगा कि किस बार के नीचे आपको सेल करना है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा जो लिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा लिप खुलती है और ये लिप का सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये लिप खुले और ये ऊपर दोनों जॉस को टीथ को दोनों को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए और ये तीनों लाइन पैरेलल हो तब हमें समझ लेना चाहिए कि एक ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर भी देखिए ये लिप नीचे की तरफ जाती है, जॉज और टीथ को दोनों को काटती है और यहाँ पर देखिए तीनों लाइन पैरेलल हो जाती है। देन वी हैव अ ट्रेड। यहाँ पर ट्रेड कब होगा हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ट्रेड सिग्नल इसमें जनरेट होता है, किस तरह से हम एग्जिट लेते हैं, किस तरह से स्टॉप लॉस लगता है। सो इस तरह से हमें उस जैसे हम बोलते हैं कि इस एलिगेटर को डिकोड करना है। तो हाउ टू यूज द एलिगेटर इंडिकेटर? द इंडिकेटर प्रोवाइड सिग्नल व्हेन द थ्री लाइंस जॉस टीथ लिप्स मीट एंड सेपरेट एंड दे चेंज द ट्रेंड। व्हेन द थ्री लाइंस डाइवर्ज वाइडली अ ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेटिंग द माउथ ऑफ द एलिगेटर इज बीन फेड अकॉर्डिंग टू विलियम्स। जब तीनों लाइन एक दूसरे से डाइवर्ज करती हैं, एक दूसरे से बहुत दूर रहती हैं, इसका मतलब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। एक लाइन एक दूसरे से दूर है, एलिगेटर का मुंह बड़ा खुला हुआ है एंड इट इज रेडी टू फीड, खाए जा रहा है, इसका मतलब ट्रेंड अभी तक स्ट्रांग है। लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह बंद करना शुरू करता है, तीनों लाइन नैरो होना शुरू कर देती है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि बस हो सकता है एलिगेटर का पेट यहाँ भर जाए, वो यहाँ पर अपना खाना बंद करे और सो जाए। तो ये चीज़ ये इस इंडिकेटर की आपको बताएगा, जिसे जैसे अभी लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने बोला कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के ऊपर बेस्ड है। तो जब तीनों लाइन एक दूसरे से डाइवर्ज होती है, इसका मतलब कि एलिगेटर इज रेडी टू ईट, वो अभी भी भूखा है, खाए जाएगा। जैसे ही एक दूसरे के साथ कन्वर्ज होना शुरू कर देती है, हमें यह समझ जाना चाहिए कि मूव जो है वो साइडवेज जा सकती है और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या ट्रेंड भी चेंज हो सकता है। तो एलिगेटर जो मूविंग एवरेजेस हैं उसका यूज़ यही है। स्पेसिफिक एंट्री, स्पेसिफिक एग्जिट, स्पेसिफिक टारगेट्स हम देखेंगे कि कैसे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि जो सिस्टम अभी हम लोगों ने बताया और जो पहले तो आप उसे प्लॉट करिए, जाके प्लॉट करने की कोशिश करिए, फिर उसको ऑब्जर्व करिए कि किस तरह से वो जब डाइवर्जेंट कन्वर्जेंस हो रहा है, किस तरह से वो लिप की जो लाइन होती है, जो 5 पीरियड का मूविंग एवरेज होता है वो काट के 8 पीरियड और 13 पीरियड की मूविंग एवरेज को काटता है ऊपर की तरफ, किस तरह से नीचे की तरफ काटता है, काटने के बाद क्या डाइवर्जेंस आती है, काटने के बाद क्या कन्वर्जेंस आती है, डाइवर्जेंस हो तो क्या हो, कन्वर्जेंस हो तो क्या हो, ये चीज़ आप ऑब्जर्व करिए, चार्ट्स पे ऑब्जर्व करिए, अलग अलग टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करिए और एक बार आपकी आई सेटिंग हो जाए राइट, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस समय ट्रेड करना है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ ट्रेडिंग सिग्नल्स डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप इस सिस्टम को ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा सकते हो। दोस्तों अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया, जैसे मैंने कहा कि लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से हमारी चर्चा करिए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद एंड जय भारत।